हेलो एंड गुड इवनिंग, मैं अश्लेष आप सभी का स्वागत करता हूँ आप सभी के चैनल असम ट्रांसलेशन पर। आप पढ़े इंग्लिश ग्रामर और आज के सेशन में भी हम लोग कवर करेंगे केस के बारे में यानी कारक के बारे में। जैसे कि मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि अगली क्लास में मैं इसका चार्ट बना के आप सभी को दिखाऊंगा और चार्ट से क्या हो जाती हैं, चीज़ें आसान हो जाती हैं ना समझने में। तो केस यानी कारक, जैसे कि मैंने बताया था केस यानी कारक चार प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? नॉमिनेटिव केस यानी सब्जेक्टिव केस, दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव केस, तीसरा होता है पसेसिव केस, ठीक है, और चौथा होता है वोकेटिव केस, ठीक है। ये चीज़ें होती हैं। यानी नॉमिनेटिव केस का बात करें तो कर्ता कारक, यानी सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस का बात हो तो उसके कहते हैं कर्ता कारक। और वहीं अगर बात करें ऑब्जेक्टिव केस का तो उसका होता है क्या बच्चों? उसका होता है कर्म कारक, ठीक है, यानी वस्तु कारक। ये चीज़ें हो जाती हैं। और तीसरा जो होता है पसेसिव केस, यानी उसको अगर बात किया जाए पसेसिव केस का तो उसका मतलब होता है संबंध कारक, ठीक है। और ऐसे ही वोकेटिव केस को संबोधन कारक कहा जाता है, ठीक है। तो अब हम उन लोगों के बारे में समझते हैं, केस के बारे में, ठीक है। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पांच कॉलम बनाएंगे, ठीक है, पांच कॉलम बनाएंगे। एक हो गया, ठीक है बच्चों, ये थोड़ा पतला ही रहे तो बेहतर रहेगा। एक हो गया, ऐसे ही दो, ठीक है, और ये तीन, और ये ऐसे हो गया पांच, ठीक है, एक दो तीन चार पांच, ठीक है बच्चों, क्लियर है यहाँ तक? ऐसे बना लीजिए आप लोग। अब हम बताते हैं आप सभी को कैसे बनाना है, ठीक है, इसको, ठीक है। आप लोग थोड़ा दिख रहा है ना बच्चों, दिख रहा है आप लोगों को? एक बार सभी ने क्लास को शेयर कर देंगे, ठीक है, और लाइक भी कर देंगे। तो शुरू करते हैं, यानी केस का अगर बात करें तो इसमें एक तरफ लिखेंगे ऐसे, एक और बना लीजिए, ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे पर्सन, पर्सन लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे नंबर, ठीक है, नंबर कौन सा नंबर है, सिंगुलर प्लुरल जो भी, ठीक है, और इधर यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे नॉमिनेटिव केस, नॉमिनेटिव, ठीक है, नॉमिनेटिव केस, ठीक है, नॉमिनेटिव केस यानी सब्जेक्टिव केस कह सकते हैं। और यहाँ पे क्या कह सकते हैं बच्चों? यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस। और यहाँ पर क्या करेंगे? पसेसिव केस, ठीक है, ठीक है, ये चीजें आप लोग लिखेंगे। और वोकेटिव केस की तो बात ही मत कीजिए क्योंकि उसका जो होता है वो संबोधन कारक होता है, उसका यहाँ पर चार्ट में कोई काम नहीं है, ठीक है। तो पर्सन का बात करें, ठीक है, समझ में आया। नंबर की बात करें तो नंबर के लिए, नंबर के लिए दूसरा कॉलम, और नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पसेसिव केस। और बाकी वोकेटिव केस को नहीं यहाँ पर चार्ट में दर्शाया जा सकता क्योंकि वो थोड़े डिफरेंट होता है ना। तो पर्सन का अगर बात करें तो फर्स्ट पर्सन का, ठीक है, फर्स्ट पर्सन में अगर हम वही बात करें, फर्स्ट पर्सन में क्या क्या आता है, ठीक है, फर्स्ट पर्सन में देख लेते हैं बच्चों, क्योंकि आप लोग जानते हैं तीन पर्सन होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, यही होता है ना बच्चों। तो फर्स्ट पर्सन का देख लेते हैं, तो फर्स्ट पर्सन में क्या क्या आता है, फर्स्ट पर्सन में भी सिंगुलर प्लूरल आता है ना, और फर्स्ट पर्सन में भी सिंगुलर प्लूरल आता है, उसको भी देख लेते हैं। तो फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर नंबर जो आता है, सिंगुलर, ठीक है, और ये प्लूरल, ये नंबर है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर अगर नॉमिनेटिव केस का बात करें तो फर्स्ट पर्सन में नॉमिनेटिव केस क्या आता है, सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस, आई, और वो भी सिंगुलर होता है, ठीक है, प्लूरल में क्या होता है, वी होता है, नॉमिनेटिव केस। अब इसी का ऑब्जेक्टिव केस का अगर बात करें तो मी होता है, ठीक है, और इसका क्या होता है, अस होता है, अभी इसको हम समझाएंगे आपको। फिर ये होता है इसका माई होता है, माइन होता है, ठीक है, माई माइन यानी अधिकार होता है, संबंध होता है, ये चीजें, ठीक है बच्चों। और इसका होता है आवर आवर, ठीक है, आवर आवर, ये चीजें यहां तक क्लियर है बच्चों। यानी अगर फर्स्ट पर्सन में बात किया जाए तो फर्स्ट पर्सन में जो केस आता है सिंगुलर केस आता है, जैसे देखिए केस भी होता है सिंगुलर प्लूरल में ही हो सकता है, क्योंकि जो सब्जेक्टिव केस होता है ऐसा तो है नहीं कि सब्जेक्टिव केस बहुवचन में हो या एक वचन में हो, दोनों वचनों में आ सकता है ना। तो जैसे अब फर्स्ट पर्सन का अगर बात करें तो फर्स्ट पर्सन में जो सिंगुलर नंबर आता है उसमें क्या क्या सब्जेक्टिव केस आते हैं, उसमें सब्जेक्टिव केस आते हैं बच्चों आई, ठीक है, और ऑब्जेक्टिव केस मी, और पसेसिव केस क्या होता है, माई माई, यही होता है फर्स्ट पर्सन में जो सिंगुलर
सब्जेक्ट के साथ केसेस आते हैं, जैसे नॉमिनेटिव केस एंड सब्जेक्टिव केस हो गया वो आई, ऑब्जेक्टिव केस हो गया मी, और पोसेसिव केस हो गया माय और माइन, ठीक है। ऐसे फर्स्ट पर्सन में जो प्लूरल नंबर के साथ केस आता है, प्लूरल नंबर के साथ केस, ठीक है, वो वी होता है, उसका ऑब्जेक्टिव अस होता है, और पोसेसिव केस क्या होता है, आवर आवर्स होता है, ठीक है। अब वही हम बात करेंगे अगर, ठीक है, ज्यादा क्लियर है बच्चों। दूसरे पर्सन का बात कर, दूसरे पर्सन के लिए भी हम लोग बनाएंगे, ठीक है, सेकंड पर्सन के लिए भी बना लेते हैं। सेकंड पर्सन में क्या होता है नंबर बच्चों, सेकंड पर्सन में एक्चुअल में सिंगुलर हो या प्लूरल हो इसको देखेंगे, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, ठीक है, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, इसमें क्या होता है, यू ही होता है, ठीक है, सिर्फ यू होता है। नॉमिनेटिव केस क्या होता है, यू होता है, ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, योर होता है, और पोसेसिव क्या होता है, योर्स होता है, ठीक है बच्चों, ये चीजें हो जाता है, योर योर्स हो जाता है। यानी सेकंड पर्सन में क्या आता है, यू आता है, सिर्फ क्या आता है बच्चों, यू आता है, इसमें यू जो होता है बच्चों, यू के साथ नॉमिनेटिव केस जो होता है सेकंड पर्सन में वो यू ही होता है, ऑब्जेक्टिव केस भी योर होता है, और पोसेसिव केस भी योर्स होता है। ये चीजें क्लियर है बच्चों। अब वही अगर थर्ड पर्सन का बात करें, थर्ड पर्सन का, तो थर्ड पर्सन में, ठीक है, सिंगुलर हो और प्लूरल का बात कर लेते हैं, सिंगुलर और प्लूरल का, इसमें भी सिंगुलर प्लूरल का, ठीक है, ये सिंगुलर हो गया और, ठीक है बच्चों, और यहाँ नीचे हो गया प्लूरल। अब सिंगुलर का अगर बात कर लेते हैं, सिंगुलर क्या होता है, इसमें ही होता है, सी होता है, ठीक है, इट होता है, ये चीजें हो गई क्या थर्ड पर्सन, जो थर्ड पर्सन होता है बच्चों उसमें सिंगुलर नंबर में क्या क्या आता है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन, थर्ड पर्सन जो होता है सिंगुलर नंबर के साथ क्या क्या केसेस आते हैं, जैसे सब्जेक्टिव केस हो गया ही सी इट, और ऑब्जेक्टिव केस क्या हो गया बच्चों, हिम हर, ठीक है, ठीक है, इट, ये चीजें हो गई। और पोसेसिव क्या क्या हो जाता है, पोसेसिव के हिज हो जाता है, हर्स हो जाता है, ठीक है, इट्स हो जाता है, इट्स, ठीक है, ये चीजें हो जाती है, ठीक है बच्चों, क्लियर है यहाँ तक, यहाँ तक क्लियर है, बहुत शानदार। वही अगर प्लूरल का बात करें, प्लूरल का, तो प्लूरल में आता है दे, ठीक है, प्लूरल में दे आ जाता है, इसका क्या हो जाता है, देम, ठीक है, देम हो जाता है, देम, और इसका पोसेसिव केस क्या होता है, दियर, दियर्स हो जाता है, ठीक है, दियर हो जाता है या दियर्स, ठीक है, ये चीजें क्लियर है बच्चों। अब इसको हम लोग समझते हैं, पहला तो अगर बात करें केस का, तो केस चार प्रकार का होता है, आप लोगों को पता है, कर्ता कारक, वस्तु कारक या फिर कर्म कारक, ठीक है, उसके बाद आता है संबंध कारक, और चौथा आता है संबोधन कारक। ये चीजें अगर इंग्लिश में अगर उनका बात किया जाए, तो इंग्लिश में क्या होता है, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पोसेसिव केस, और एक केस वोकेटिव केस। तो वोकेटिव केस का इसमें चार्ट में कोई स्थान नहीं है, वैसे वैसे ही समझ सकते हैं, ठीक है, संबोधन कारक का होता है। अब केस का अगर बात करें, तो केस भी जो होता है पर्सन के साथ अटैच होता है, ठीक है, नंबर के साथ अटैच होता है। तो जैसे फर्स्ट पर्सन में जो नंबर होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड जो पर्सन होते हैं वो भी तीन होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन, ठीक है, और नंबर जो होता है वो सिंगुलर प्लूरल होता है। तो फर्स्ट पर्सन में जो नंबर होंगे, जैसे सिंगुलर होंगे प्लूरल होंगे, उनके साथ जो केसेस होंगे, जैसे सिंगुलर नंबर के साथ केसेस क्या हो जाते हैं, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पोसेसिव केस, और जो फर्स्ट पर्सन का नॉमिनेटिव केस है बच्चों, फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर के साथ नॉमिनेटिव केस क्या है, वो आई है, ऑब्जेक्टिव केस क्या है, मी है, और पोसेसिव केस क्या है, माई माइन है। ऐसे ही फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के साथ जो नंबर है वो प्लूरल, ठीक है, प्लूरल का जो केस है नॉमिनेटिव केस एंड सब्जेक्टिव केस बी है, और ऑब्जेक्टिव केस यस, और ठीक है, पोसेसिव केस आवर एंड आवर्स हो जाएगा, ठीक है। ऐसे सेकेंड पर्सन जो होता है उसमें नंबर सिंगुलर प्लूरल तो उसमें भी होता है, लेकिन सेकेंड पर्सन जो होता है बच्चों उसमें सिर्फ यू माना जाता है, ठीक है, यू को। अब यू जो होता है, अब नॉमिनेटिव केस क्या हो जाता है बच्चों, सेकेंड पर्सन का नॉमिनेटिव केस क्या हो जाता है, यू, ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाता है सेकेंड पर्सन का, तो योर, और पोसेसिव केस क्या हो जाता है, योर्स हो जाता है। ये चीजें क्लियर है। अब थर्ड पर्सन का वही बात करें, ठीक है, थर्ड पर्सन में भी सिंगुलर प्लूरल नंबर होते हैं। अब थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ नॉमिनेटिव केस क्या आते हैं, ही सी इट, ऑब्जेक्टिव केस हिम हर इट, और पोसेसिव केस क्या आते हैं, इट हिज हर इट्स, ठीक है, ये चीजें हो जाती हैं। प्लूरल का अगर बात करें, प्लूरल का तो सेकंड थर्ड पर्सन जो प्लूरल होता है उसके साथ क्या आते हैं बच्चों, उनके साथ प्लूरल में नॉमिनेटिव केस यानी सब्जेक्टिव केस क्या आते हैं, दे आता है, ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, देम, और पोसेसिव केस क्या हो जाता है, पोसेसिव केस देयर, देयर्स हो जाता है, ठीक है,
ये चीजें क्लियर है, इतना नोट कर लिए, चार्ट बना लीजिए, उसके आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और कुछ बता देते हैं आप लोगों को, ठीक है? नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है? क्लियर है बच्चों? बहुत सही। अब इसके कुछ देख लेते हैं, बाकी इनका तो कोई चिन्ह नहीं होता है, लेकिन हाँ पोसेसिव केस का संबंध दर्शाने के लिए, ठीक है? या अब इसको मिटा देते हैं, ठीक है? अब इसको समझते हैं आप लोग। जैसे अब जैसे मैंने केस के बारे में बताया, चार फोर प्रकार के केस हो देते हैं, चार प्रकार के केस होते हैं, यानी नॉमिनेटिव केस, यानी सब्जेक्टिव केस, दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव केस, तीसरा पोसेसिव केस, चौथा कौन सा बच्चों, वोकेटिव केस। लेकिन ये जो पोसेसिव केस है, इसको हमें दर्शाने के लिए, अगर कोई जैसे पोसेसिव केस, ठीक है, पोसेसिव केस, ठीक है, पोसेसिव केस के चिन्ह का बात करें, चिन्ह, ठीक है, पोसेसिव केस का चिन्ह, ऐसा चिन्ह कुछ होता नहीं है। इसको समझने के लिए, पोसेसिव केस को जानने के लिए, अगर कहीं पर क्या कहते हैं, अपोस्ट्रॉफी एस लगा, ठीक है, अपोस्ट्रॉफी एस लगा है या ऑफ लगा है, ठीक है, तो उसमें क्या हो जाता है बच्चों, अगर संबंध दर्शाए, ठीक है, इनसे क्या हो, संबंध दर्शाए, संबंध, अभी हम बताते कैसे, संबंध दर्शाए, ठीक है, दर्शाए, तो क्या होता है बच्चों वहां पर, तो वहां पर पोसेसिव केस, ठीक है, वहां पर पोसेसिव केस होता है, ठीक है, पोसेसिव केस होता है, ठीक है, पोसेसिव केस होता है। अब कैसे देखते हैं इसे, ठीक है, पोसेसिव केस होता है अगर इस प्रकार के, जैसे कहते हैं इंडियाज मैप, ठीक है, इंडियाज मैप, यानी ये क्या है बच्चों, यहाँ पर भारत का मैप, ठीक है, भारत का मैप क्या है, संबंध दर्शा रहा है, ठीक है, संबंध दर्शा रहा है, यानी मैप जो है भारत का है, कहते हैं मैप ऑफ इंडिया, ठीक है, मैप ऑफ इंडिया, ये चीजें कह दें, ठीक है, यहाँ पर कह दें, तो ये ऑफ जो है ये भी संबंध दर्शा रहा है, ठीक है बच्चों, संबंध दर्शा रहा है। ये चीजें समझने के लिए हम लोग, समझ में आया बच्चों, अपोस्ट्रॉफी लगा तो भी, ठीक है, कहते हैं ऐसे, ठीक है, अपोस्ट्रॉफी लगा है तो कौन सा सम लेंगे, कौन वहां कौन सा केस है, वहां पर हो जाएगा पोसेसिव केस, ऑफ लगा है तभी क्या हो जाएगा बच्चों, पोसेसिव केस हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है, जैसे कह दे, ठीक है बच्चों, ये चीजें क्लियर है, कहते हैं ऐसे द पेज ऑफ द बुक, ऐसे कहते हैं द, यहाँ पर नीचे देखते हैं, द पेज ऑफ द बुक, ठीक है, ऑफ द बुक, द पेज ऑफ द बुक, द पेज ऑफ द बुक, यानी पेज जो है बुक का है, यानी बुक से उसका संबंध, ऐसे कह सकते हैं, इस तरह से कह सकते हैं, ड्यूटीज कॉल, ऐसे कह सकते हैं, ड्यूटीज, ड्यूटीज कॉल, ये चीजें, ठीक है, ड्यूटीज कॉल का अगर बात करें, यानी ड्यूटी का जो बुलावा, ये चीजें, तो यहाँ पर संबंध दर्शाया जा रहा है, ठीक है बच्चों, ये चीजें, यानी एपोस्ट्रॉफी यस लगा है और या ऑफ लगा हो, तो उससे हम क्या समझ सकते हैं बच्चों, उसे हम लोग समझ सकते हैं कि वो पोसेसिव केस किस रेंज में आता है। यहाँ तक क्लियर है? बहुत सही, शानदार। इसी के साथ हम लोग मिलेंगे कल, सेंटेंस के बारे में कुछ चीजें जानेंगे, तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक नमस्कार, थैंक सो मच, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार एंड टेक केयर, गुड नाइट।